पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की हावड़ा शाखा के नए अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हावड़ा स्थित अग्रसेन सेवा समृति भवन में आयोजित की गई। इस दिन कार्यक्रम में राज्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री नंद किशोर जी के नेतृत्व में अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। यह संस्था समाज के विभिन्न क्षेत्र में उन्नति का कार्य करने के लिए जाना जाता है। विगत 75 वर्षों से चल रहा यह एकमात्र मारवाड़ी सम्मेलन है जो समाज के विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रहा है। इस दिन कार्यक्रम का संचालन संस्था के उपाध्यक्ष प्रकाश किला ने किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंग मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल ने प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, आने वाले समय में संस्था के साथ अच्छे लोगों को जोड़कर समाज कार्य की नई योजना पर कार्य किया जाएगा और इस संस्था का उद्देश्य मारवाड़ी समाज को मजबूत करना है। उन्होंने बताया, नॉर्थ बंगाल में भी इस सम्मेलन को विस्तार करने की योजना की जा रही है। वहीं महिलाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, अब तक करीब 25 महिलाएं हावड़ा स्थित शाखा से जुड़ चुकी हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। आज जो हावड़ा में जो ये आयोजन आज अग्रसेन भवन में हो रहा है, यहाँ पे हमारी हावड़ा शाखा जो 6 सालों से चल रही है वो नई कार्यकारिणी चुनकर अभी तक नहीं आई है। 6 सालों में जो आना चाहिए था, किसी भी कारण से हमारी कमियां रही हैं, तो उसे आज जो है हम लोग नई कार्यकारिणी का गठन करके और अध्यक्ष का नाम घोषित करूंगा और जिससे आने वाला जो समय है वो हमारे हावड़ा शाखा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के अच्छे सामाजिक व्यक्तियों को जोड़ करके हमारे समाज को, मारवाड़ी समाज को मजबूत करना है और हावड़ा में हमारी पहचान बनाना है। इस दिन सभा के संचालक प्रकाश किला ने बताया, आज इस सभा के माध्यम से नई कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जो भविष्य में विकास के लिए कार्य करेगा। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन एकमात्र मारवाड़ियों का संगठन है जो पूरे राज्य में नहीं, पूरे अखिल भारत में मारवाड़ियों के हित के लिए कार्य कर रहा है, समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है और जो समाज में जो कुरीतियाँ है उसको दूर करने हेतु कार्य कर रहा है। वह केवल मारवाड़ी समाज ही नहीं, भारतवर्ष के अन्य समाज को भी मारवाड़ी समाज उन्नति के लिए कार्य और विकास के लिए कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में सभा में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, पूर्व महासचिव शिव कुमार लोहिया, प्रदेश महासचिव शिव कुमार अग्रवाल, विश्वनाथ खरकिया, गोपी दुहालिया, कमल सरावगी सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस दिन शंभु कुमार मोदी को संस्था का अध्यक्ष पद का शपथ दिलाया गया। वहीं जनरल सेक्रेटरी किशन किला एवं ट्रेजरर विकास कुमार अग्रवाल ने पदभार संभाला। युवा शक्ति डेस्क की खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।